नारायण ने मुझे ये तो नहीं बताया कि उनका उपाय क्या है, परंतु आश्वस्त अवश्य किया है कि उनके इस उपाय से केवल देवताओं की ही नहीं परंतु समस्त संसार की सहायता होगी, अखिल विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि उनके इस उपाय के कारण ही श्री सृष्टि में लौट पाएंगे। अर्थात आपके कहने का अर्थ यह है कि माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु का विरह समाप्त होने वाला है, दोनों फिर से एक होने वाले हैं। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है अदिति माँ, हमें शीघ्र ही विष्णु लोक की ओर प्रस्थान करना चाहिए। शीघ्रता में किया हुआ कार्य हानिकारक भी हो सकता है गरुड़, पहले से ही असुर हमें चारों ओर खोज रहे हैं, और अब तो दीति माँ और राहु को भी पता चल गया है कि माँ की तपस्या पूरी हो गई है। रही बात प्रभु विष्णु की ओर प्रस्थान करने की, तो प्रभु विष्णु ने स्वयं हमें अपने लोक में आने का आदेश दिया है, और यदि असुरों ने हमें ढूंढ लिया और हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो हम चाहे भी तो उनका सामना नहीं कर सकते। यदि हम उनको मार भी दें तो वो तो राक्षस हैं, संजीवनी विद्या से वो फिर से जीवित हो जाएंगे, और फिर हमारा क्या होगा? वही जो नारायण चाहेंगे। और वैसे भी जब वो हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता। सही कह रहा है गरुड़, तुम सब एक काम करो, तुम सब इसी क्षण नारायण के पास जाओ और गरुड़ को भी अपने साथ लेकर जाओ। पूरी असुर सेना का सामना किया है इसने, कुछ तो विशेष है इसमें। हो सकता है कि इसका साथ तुम सब में फिर से साहस का संचार कर दे। जो आज्ञा मां। आशीर्वाद दीजिए दीदी। गति तुम्हारी शक्ति है, हृदय में साहस है, आत्मा अच्छाई की प्रतीक है, और तुम्हारे पंखों में है आशा, समस्त संसार की आशा। एक माँ का आशीर्वाद है, नारायण की प्रेरणा से अपनी माँ के गर्व का कारण बनो तुम, प्रभु विष्णु का वाहन बनो तुम। दीदी के सामने तो बोल नहीं पाई, पर सत्य तो ये है कि आज पहली बार गरुड़ कद्रु दीदी की दास्ता से मुक्त होकर प्रभु विष्णु के कार्य के लिए गया है। इस बात से मैं इतनी प्रसन्न हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे उसके नहीं मेरे ही पैरों की बेड़ियाँ खुल गई हों। कैसा घाव है वो? क्या रोग है? ये गंध इन्हीं घाव की लग रही है। कौन है ये लाचार व्यक्ति? कामदेव का अवतार उन्होंने, जो मेरे ऊपर से दृष्टि नहीं हटती तेरी। यहाँ बैठे बैठे एक कोढ़ के रोग का उपाय बताना चाहती है।
क्षमा कीजिएगा बाबा। What? वृक्ष की तना जड़कर खाली क्यों है? तुम भाग क्या से? भाग! क्षमा कीजिए। दयालु बनने का स्वांग मत कर। कहना चाया से जा। कैसे व्यक्ति हैं ये? मैं सहायता करना चाहती हूँ, फिर भी क्रोधित हो रहे हैं, पर मैं इन्हें प्यासा भी तो नहीं छोड़ सकती। ये भी गिर जाएगा। जल पिलाना है तो अपने हाथ से पिला, वरना जाया जा। ये वृद्ध व्यक्ति तो बहुत ही निष्ठुर है। ये उस असुर की भांति है जो कभी संतुष्ट नहीं होता। आपने सही कहा प्रभु, किंतु विंता मां का हृदय तो करुणा का सागर है। किसी के भी कष्ट का आभास पाता है तो क्षण भर में पिघल जाता है। पर आज उनकी करुणा नहीं, सेवा की परीक्षा होगी। हां शेष, अब देखना ये कि क्या देवी विनता अपनी सेवा से उस वृद्ध का हृदय पिघला पाती है या नहीं। पर ये सब बाद में, अब तुम अपने प्रिय भाई से मिलने की तैयारी करो। प्रभु विष्णु ने स्वयं मां को दर्शन देकर हम देवताओं को यहां बुलाया था, पर अब इस गरुड़ के सामने तो ये हमारी ओर दृष्टि उठाकर देख तक नहीं रहे। प्रभु, मैं बता नहीं सकता, इस तरह आपको शेषनाग भैया की शैया पर विश्राम करते देख मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सौभाग्य मेरे बड़े भैया को नहीं स्वयं मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे स्मरण है
पिछली बार जब मैं वैकुंठ आया था तो यहाँ की आबा फीकी थी, वातावरण निस्तेज, परंतु अब आप समाधि से बाहर आ गए प्रभु, और यहाँ की आभा तनिक लौट आई। अब बस शीघ्र ही माता लक्ष्मी भी यहाँ वापस आए और आपके साथ विराजमान हो। माँ के वर्णन के अनुसार वैकुंठ की जो छवि मेरी मन की आंखों ने बचपन से देखी थी वो पूरी हो जाए। सत्य कह रहे हो गरुड़, लक्ष्मी के जाने के पश्चात केवल वैकुंठ ही नहीं, स्वयं मैं भी अधूरा हूं। मैं तो केवल ये कल्पना कर सकता कितने लंबे विरह के बाद मेरी प्रिय, मेरी लक्ष्मी कितनी पीड़ा सहती होगी। प्रभु प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव, कीर्तिमान भव। प्रभु विष्णु जब जब ऐसे गहन विचारों में लीन होते तब तब सदैव ही कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई विचार उत्पन्न होता है जो सृष्टि को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। प्रभु आपने मुझे स्मरण किया। मैं जानता हूं कि असुर संजीवनी विद्या के कारण मृत्यु को परास्त कर स्वर्ग के सुखों को भोग रहे हैं, और आप सब यहां उस योजना की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिससे असुरों का सामना करने में आपको सहायता मिले। पर मैंने आप सबको यहां केवल उस योजना की चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया, पूरे संसार को मैं उससे भी अधिक मूल्यवान वस्तु प्रदान करूंगा। महर्षि दुर्वासा के श्राप के बाद देवी लक्ष्मी के साथ साथ कामधेनु, एरावत, उच्च श्रवा, रंभा और अनेक अन्य रत्न भी स्वेच्छा से समुद्र के भीतर समा गए थे, और अब उन्हें वापस लाने के लिए, संसार के कल्याण के लिए आप सबको मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। चल अब कीड़े पड़े तुझे, पशु नोट नोट के खाए तुझे। कितने कृतघ्न व्यक्ति हैं ये, मैंने इन्हें जल पिलाया और ये आशीर्वाद देने के स्थान पर ऐसा भयानक श्राप दे रहे हैं। कब तू पकेगा? और कब तू मेरी झोली में गिरेगा ताकि मैं तुझे उठाऊं और खाऊं? भूख के मारे मेरे प्राण जा रहे हैं। कितना नीच तो रहे तू, परोपकार का भाव ही नहीं है। इस वृद्ध पर तुझे दया नहीं आ रही।
हे प्रभु, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैंने इन्हें कृतघ्न कह दिया, जबकि ये तो इस आम के फल से बात कर रहे थे। आप इतने भूखे थे बाबा? मेरी माँ है क्या? भूख से मेरे प्राण आज निकले या कल, तुझे क्या? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सच सुनने में कष्ट हो रहा है, कड़वा है पर सच है। मैं कैसे जी रहा हूं जब तेरे प्रभु को इसकी चिंता नहीं, तो तुझे क्या है? ऐसा नहीं है बाबा, मेरे प्रभु विष्णु किसी के कष्ट से अनभिज्ञ नहीं है। प्रभु, तेरे प्रभु मुझे सिखा रही है सूर्य को उगते और अस्त होते, मैंने तुझसे कहीं अधिक देखा है, समझी? यदि तेरे विष्णु में दया होती तो इस तरह इतने भयानक रूप के साथ मैं अकेला मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर रहा होता, समझी? आप अकेले नहीं रहेंगे बाबा, प्रभु की प्रेरणा से ही मैं यहाँ आई हूँ। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। बस कर दीजिए मेरा। नहीं बाबा। इतनी दूर है तेरा घर? लगभग एक कोस दूर। एक कोस? कैसे जाऊंगा मैं? पैरों से। बाबा, मैं स्वयं आपको लेकर चलूंगी, आपको कोई कष्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। रास्ते में छोड़ दिया तो? मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा। अब चलिए मेरे साथ। हाँ, इतने विशाल क्षीर सागर का मंथन होगा कैसे प्रभु? ऐसी मथनी जो संपूर्ण क्षीर सागर को मथ दे, और ऐसी रस्सी जो मथनी को बांध ले, ऐसी दोनों वस्तुओं का प्रबंध कहां से होगा प्रभु? और यदि हम सब ये प्रबंध कर भी लें, तो मथनी का संचालन करने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होगी। आप सत्य कह रहे हैं देवराज, और इसी कारण ये कार्य आप देवता अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए आपको असुरों की सहायता लेनी होगी। समुद्र मंथन को संभव बनाने के लिए
असुर सम्राट बलि से संधि करनी होगी। विष्णु जी चाहते हैं कि मैं असुर राज बलि से संधि करूं, उन असुरों से जिन्होंने मुझसे मेरा स्वर्ग लोक छीना, जो हमारे प्राण के पीछे ऐसे पड़े हैं कि हमें छुपते फिरना पड़ रहा है। ये संधि नहीं होगी, कभी नहीं।